बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज मायों की रस्म है और आपको पूरी वीडियो देखने को मिलेगी, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। कहीं वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो एंड तक वॉच करनी है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है। तो यहाँ पर ये नभिया का ड्रेस, मतलब स्पेशल ड्रेस मैंने कोई नहीं सिलवाया था, मतलब थोड़े थोड़े से ना सहाँ से मैंने बनवा लिए थे इनके ड्रेसेस ना। तो ये नभिया का मायों का सूट है, शॉकिंग कलर का इनका पजामा है बनारसी का, उसके अलावा इनकी शर्ट है सिक्वेंस वर्क की, और यहाँ पे ये इनकी ड्रेसिंग होगी नभिया की। और नभिया की जो है ना, मनिया की मैंने कोई ड्रेसिंग नहीं की थी, मैं बिल्कुल सच बताऊँगी, क्योंकि मनिया की जो है ना मैंने इनको वो फ्रॉक पहनाई है, मतलब जो नभिया की छोटी हो गई थी, क्योंकि ये नभिया की फ्रॉक ही देखें छोटी हो गई थी ना, ये तो मैंने इस तरह मनिया को पहना दी थी। तो आज आपको मेरा थोड़ा सा फैशनेबल वीक दिखाऊँगी मैं, और मैंने क्या ड्रेसिंग करी है, मैंने किस टाइप का मेकअप करती करा है। मतलब आज तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन मैं बहुत लाइट करती हूँ मेकअप ना, जैसे ना होने के बराबर नो मेकअप लुक आए। तो खैर मैंने यार ये ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और बिल्कुल सिंपल ड्रेस थी, मतलब आगे सिर्फ ये लेस लगी हुई थी, अपना मिरर वर्क जो लेस होती है ना वो लगी हुई थी, और बाकी ये मेहंदी अभी एक ही हाथ में लगी है, अभी दूसरे हाथ में इंशाल्लाह कल टाइम मिलेगा फिर लगवाऊंगी। और बाकी ये मैंने कड़े पहन लिए थे गोल्डन, क्योंकि मुझे बैंगल्स वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मतलब ये सिंपल से ही मैंने कड़े जैसे पहन लिए थे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सब बहुत अपनी पिक्चर्स ले रही थी, और बाकी जो है कि ना क्या बोलते हैं, अभी रस्में होने में टाइम था, तो बस मैंने सोचा अभी थोड़ी सी मैं पिक्चर्स वगैरह अपनी बना लेती हूँ, अपनी व्लॉग बना लेती हूँ। पीछे से जितनी भी आवाज़ आए ना आप तो इग्नोर करना हैगा। तो बस यहाँ पर खाना भी चल रहा था, तो खाने में मैं बता दूँ क्या था जी, कौरमा था, और यहाँ पर तंदूर की रोटियाँ थी, और यहाँ पर जो है ना हलवा भी था। तो यहाँ पे बस सब लोग खाना खा रहे थे, जेंट्स खाना खा रहे थे, बाकी जो है ना लेडीज़ का खाना जो है ना बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी सारे के सारे हमने अरेंजमेंट हमने ऊपर किया है, तो अभी भी आपको ऊपर का अरेंजमेंट भी दिखाऊंगी कि मतलब अरेंजमेंट जो है ना हमने ऊपर किया है, तो मैं आपको दिखाऊँगी ठीक है। और बस यहाँ पर जो है ना अभी खाना चल रहा है, और यहाँ पे असल में मायों की तो कोई ख़ास रस्म नहीं है, छोटी सी ही हमने घर में ही कर ली है। यहाँ पे असल में बर्थडे पार्टी हैगी, तो भाई के बच्चे हैं ना उनके दोनों की आज बर्थडे थी, हसरा नूर की और अफ़ान की, दोनों एक ही दिन की उनकी ना बर्थ वो है पैदाइश हैगी। तो यहाँ पे ये देखे केक भी ना ख़राब हो गया था, केक दूर से मंगवाया था ना थोड़ा सा, तो मतलब दब गया वो आते आते, बाइक पर ही मेरे हस्बैंड लेकर आया था, तो मतलब उनसे दब गया ये, तो थोड़ा सा वो वाला केक ख़राब हो गया, बाकी ये वाला केक जो है ना हसरा नूर का हैगा। तो यहाँ पे बस दोनों की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, बट मनिया की खजरा नूर की जो ना फर्स्ट बर्थडे है, और फान माशाल्लाह 6 साल के हो गए।
अच्छा, हमने कोई स्पेशल मायो की रस्म नहीं की, बस घर में ही, बस छोटी सी हमने छत पर ही रस्म कर ली थी। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी हल्दी भिगो दी थी, मतलब एक मुपटन किसे जिसे कहते हैं वो था, और बाकी जो है ना ये मेहंदी थी और पान थे, ये सब कुछ मतलब ना हमने से रस्म कर ली थी। बाकी केक जो बर्थडे में था ना वही कर दिया था, उसी वही रस्म में खिला दिया था, क्योंकि ये मिठाई नहीं खाता है ना इसलिए। तो बस यहाँ पे इसी तरह का ये सिलसिला चल रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा था शादी मतलब रसम में। और बाकी जो है जो दूल्हा जो चमक रहा है ना, तो वो इसलिए चमक रहा है कि अभी पार्लर से होकर आया है फेशियल करवा के, क्योंकि बलात वाला दिन ऐसा होता है थोड़ा सा मतलब रूप आ जाता है, थोड़ा सा फेशियल फर्स्ट टाइम ही करवाया है इसने, फेशियल वगैरह बस ये करवाता नहीं है। तो बस यहाँ पे सब हम लोग घर ही घर के बस थे, ज़्यादा मतलब नहीं थे कोई भी, और बाकी हमने छोटी सी बस ये घर में ही, ये तो बैठ भी नहीं रहा था माया, लेकिन हम लोगों ने बोला भाई बैठ जाओ, ज़बरदस्ती करके हमने इसको बिठा दिया। तो खैर बर्थडे थी वैसे, आज हमने माया की कोई ख़ास रस्म नहीं की, उसी बर्थडे पार्टी के अंदर बच्चों ने भी डांस वांस कर लिया था जो अभी आपने देखा होगा। हाँ जी, और व्लॉग थोड़े से लेट हो सकते हैं, अभी ये छोटी सी वीडियो मैंने बना के मायो की डाल दी है, सेपरेट बना के डाली है ताकि जो है ना आपको अच्छी सी वीडियो मिल जाए, क्योंकि वो अभी अब आज बारात है तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं बारात के लिए, तो मैंने सोचा पहले मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूँ मायो वाली, उसके बाद जो है ना मतलब हम लोग निकलेंगे। अब ये देखो वीडियो आप लोग को कब तक मिलती है, रात भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर अम्मी के घर पर ना नेट बहुत स्लो चलता है, मेरे घर पर फिर फास्ट चलता है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत स्लो नेट चलता है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम फेस्ट ट्रेवल किया है अपना, तो बस यहाँ पर आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज की व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।